बेहोश कर रही हूँ। तो मेरा शुक्रिया अदा काम पूरा होने के बाद करना। चलो बम्बलबी, तुम्हारी बारी। क्या हो रहा है? राजीव चल बसा। बिल्कुल नहीं। एक और आइकॉन का रेडियो डिवाइस। उसका सिग्नल मिलने का मतलब है डिसेप्टिकॉन्स ने फिर से किसी हथियार को जमीन से निकाला है। ऑटोबॉट्स, चलने के लिए तैयार हो जाओ। यस। हमारे पेशेंट्स को छोड़कर रैचेट पर बेहोशी का असर कम कर दो। प्राइम, एक जबरदस्त खबर है। प्राइम कहाँ है? देखो, उससे कहना मुझे सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें मिली हैं जिनसे हमें मैक के सही ठिकाने का पता चल गया है। क्या मुसीबत है, वहाँ पर कोई है जो सिर्फ टू टू में बात नहीं करता हो? मैं समझाता हूँ। क्या फ्यूज और के वॉइस बॉक्स की मरम्मत करनी है? अब ये फ्यूज और कौन है? वहाँ पर हो क्या रहा है? बेंटोर से पूछ लो, मैंने उस टैंक की वो हालत कर दी कि टीन का डिब्बा बन गया। लेकिन बी, ऑप्टिमिस्ट ने तुम्हें बेस पर रहने को कहा था। कोऑर्डिनेट्स भेज दीजिए एजेंट फाउलर, हम उन्हें ऑप्टिमिस्ट तक पहुंचा देंगे। क्या बात हुई, मेगाट्रॉन ने हमसे इतनी मेहनत करवाई, वो भी सिर्फ एक और हथौड़ा हासिल करने के लिए। वो हथौड़ा तेरा असली प्राइम्स की एक पवित्र निशानी है। सच में? लेकिन डिसेप्टिकॉन के बनाए हथियार जितना खतरनाक नहीं होगा ना? लगता है कि खतरे को टालने के लिए हासिल किए डिसेप्टिकॉन के हथियारों के साथ आयकॉन की तिजोरी में पड़ी हर एक अहम चीज को अलग अलग दुनिया में छुपा दिया गया था, और ये वाला तो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसे सोलस प्राइम का फोर्ज कहते हैं। इसमें बसी रहस्यमयी शक्तियां किसी भी चीज को मैकेनिज्म बना सकती हैं। आपका मतलब इसकी मदद से हम जैसा चाहें वैसा हथियार बना सकते हैं? या मुमकिन है कि बम्बल बी के लिए एक नया टी कॉग बना पाए। एनाजॉन को डालो। काम कर रहा है एनाजॉन, इससे हमारी बनाई फौज सब पर भारी पड़ेगी। तुम्हारी बनाई फौज देखा जाए तो कुछ ही देर में हम एक चमत्कार होता देखेंगे। टीकॉक के बिना ये निहत्ता है। चलो अब उठाओ इसे। हाँ,
ऑटो